नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर के, खाद्य सुरक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो कि गरीब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। क्योंकि दोस्तों, जो अपडेट आई है, इस अपडेट के माध्यम से राशन कार्ड में या फिर खाद्य सुरक्षा में ये जानकारी मिल जाएगी कि पात्र लोग या अपात्र लोग कितने राशन कार्ड के माध्यम से खाद्य सुरक्षा से फ्री में राशन ले पा रहे हैं। दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर के जो बड़ी अपडेट आई है, इस अपडेट के माध्यम से आपको एक काम करना होगा और उसके लिए लास्ट डेट रखी है सरकार ने 23 जून तक। 23 जून तक आपको एक काम करना होगा और इस काम को करने के बाद में आपको जो फ्री में राशन मिलता रहता है वो मिलता रहेगा। यदि आप 30 जून तक ये काम राशन कार्ड से, खाद्य सुरक्षा से संबंधित नहीं करते हैं तो आपको हर महीने फ्री में मिलने वाला जो राशन है वो बंद हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप अवश्य ही राशन कार्ड धारक हैं, खाद्य सुरक्षा के माध्यम से आपको हर महीने फ्री में राशन मिलता है, तो अवश्य ही इस वीडियो को आप एंड तक अवश्य देख लेना ताकि आपको फ्री में मिलने वाला जो राशन है वो आगे भी मिलता रहे। यदि आप इस अपडेट को नहीं जानते हैं और इस अपडेट के माध्यम से जो काम होने वाला है उस काम को आप नहीं करवाते हैं तो 30 जून के बाद में आपको केवल पछताना पड़ेगा। आपको फ्री में जो मिलने वाला राशन है वो किसी भी प्रकार से नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, इसी प्रकार की सबसे पहले अपडेट आपको प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की अपडेट का जो वीडियो है आप उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके, उसके अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, राशन कार्ड के माध्यम से, खाद्य सुरक्षा के माध्यम से जिन लोगों को फ्री में राशन मिलता है उनको 30 जून तक एक काम करना होगा, जिसके बारे में जानकारी मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अन्य लोगों तक भी वीडियो को आप अवश्य ही सेंड करना ताकि सभी लोगों को, जो लोग फ्री में राशन प्राप्त करते हैं उन तक इसकी जानकारी पहुंचे और सभी गरीब लोग 30 जून तक इस काम को निपटा ले ताकि आगे किसी भी प्रकार से राशन को लेकर के उनको कोई दिक्कत नहीं आ सके। इसलिए अन्य लोगों तक आप अवश्य ही वीडियो को सेंड करना। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा के अंदर पात्र लोग और अपात्र लोग दोनों प्रकार के राशन प्राप्त कर रहे हैं। इसके अंदर यही जानकारी प्राप्त होगी कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है। 30 जून तक जो काम होने वाला है, इस काम के माध्यम से सरकार के पास ये डाटा पहुंच जाएगा कि पात्र लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं और कितने लोग अपात्र लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ही अपडेट सरकार के पास पहुंचेगी, जो अपात्र लोग होंगे उनका नाम खाद्य सुरक्षा से हटा दिया जाएगा और जो लोग पात्र होंगे उनका फ्री में राशन जो मिल रहा है वो आगे भी मिलता रहेगा। अपात्र लोगों का नाम कटेगा तो उनके स्थान पर अन्य और भी जो पात्र लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़ेगा और उनको भी फ्री में राशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी अपडेट है जो कि फ्री में राशन प्राप्त करने वाले जो पात्र लोग हैं उनके लिए अच्छी अपडेट है, जिसकी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं कि राशन कार्ड को लेकर के, खाद्य सुरक्षा को लेकर के, फ्री राशन को लेकर के क्या कुछ अपडेट निकल करके आई है। तो दोस्तों, अपडेट निकल करके आई है कि राशन के गेहूं के लिए ई केवाईसी होगी। राशन कार्ड को लेकर के ई केवाईसी करवानी पड़ेगी। यदि आप फ्री में गेहूं, चावल, चना, बाजरा प्राप्त कर रहे हैं तो उसके लिए अब आपको ई केवाईसी करवानी होगी। पारदर्शिता लाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के आधार 30 जून तक बताने होंगे। दोस्तों, ये आज ही की न्यूज आप अखबार की देख पा रहे हैं जो कि राजस्थान की पाली से है, लेकिन ये पूरे भारत देश में लागू है। अर्थात पूरे भारत में राशन कार्ड को लेकर के, खाद्य सुरक्षा को लेकर के, राशन कार्ड में फ्री राशन प्राप्त करने वाले जो भी लोग हैं उनकी ई केवाईसी करवाना सभी के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। दोस्तों, आप किसी भी राज्य के कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों को, हर किसी राशन कार्ड धारक को जो फ्री में राशन प्राप्त करता है उनको अब अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी करवानी होगी। और इसके लिए सरकार ने तारीख बताई है, डेट बताई है, 30 जून तक। 30 जून तक जो भी लोग राशन कार्ड की ई केवाईसी करवा लेंगे, राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी सदस्यों की जो आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको बताने होंगे, उनसे ई केवाईसी करनी होगी। यदि आप राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड से ई केवाईसी करवा देते हैं तो 30 जून के बाद में आपको फ्री में राशन मिलता रहेगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 30 जून के बाद में फ्री में मिलने वाला जो राशन है वो बंद हो जाएगा, किसी भी प्रकार से आपको राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये गरीब लोगों के लिए कोई आफत नहीं है, गरीब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी ये अपडेट है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा में बहुत से अपात्र लोग हैं
जो कि फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं, उन लोगों का नाम काटने के लिए यहाँ पर राशन कार्ड में ई केवाईसी शुरू की गई है। और इस ई केवाईसी के माध्यम से सरकार को ये मालूम पड़ जाएगा, खाद्य सुरक्षा जो योजना चलाई जा रही है उसमें ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन लोग पात्र है और कौन लोग अपात्र है। क्योंकि जिसके पास भी फोर व्हीकल है या अच्छे मकान है, 100 गज से अधिक का उसके पास किसी शहर में प्लॉट है या अन्य और किसी भी प्रकार से यदि वो संपन्न है, तो वो किसी भी प्रकार से फ्री राशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होता है। तो उन लोगों का तो नाम इनमें कट जाएगा जो लोग अपात्र हैं, और जो लोग पात्र हैं उनको राशन फ्री में मिलता रहेगा। और आगे भी जिन अपात्र लोगों का राशन नहीं मिलेगा उनका बंद किया जाएगा, उनके स्थान पर जो पात्र लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका नाम इसमें जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों इस अपडेट के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पारदर्शिता लाने के लिए ई केवाईसी राशन कार्ड की सरकार ने शुरू किया, जिसके लिए 23 जून का समय दिया गया है। ई केवाईसी के लिए आपको ई केवाईसी के लिए आधार व राशन कार्ड साथ ले जाना होगा। प्रदेश में गेहूं वितरण में शिकायत के बाद इस विभाग ने एक आदेश जारी किया है कि 30 जून तक सभी जिला रसद अधिकारियों को ई केवाईसी करवाने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों संपूर्ण भारत में इस ई केवाईसी के लिए अपडेट है कि जो भी राशन कार्ड धारक है, फ्री में राशन प्राप्त करता है, वो सभी व्यक्ति, सभी लोग, सभी राशन कार्ड धारक है अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी करवाएंगे, और अपना राशन कार्ड साथ में ही परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड लेकर के जाएंगे और 30 जून तक ई केवाईसी करवाएंगे, ताकि उनको आगे भी राशन मिलता रहे। और ये आपको राशन कार्ड और आधार कार्ड कहाँ लेकर के जाना है, तो दोस्तों ये ई केवाईसी उचित मूल्य के दुकानदारों के माध्यम से करवाई जाएगी, जहां पर किसी भी प्रकार से आपको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा, जिसके लिए उपभोक्ता अपना आधार कार्ड व राशन कार्ड साथ लेकर के जाएगा और राशन कार्ड में जुड़े जितने भी सदस्य हैं उन सबकी केवाईसी करवाएगा। तो दोस्तों आप भी यदि फ्री में राशन प्राप्त करते हैं तो अवश्य ही अपना राशन कार्ड और अपने राशन कार्ड में परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके आधार कार्ड लेकर के अपने नजदीकी जो भी राशन की दुकान है उस राशन की दुकान पर आप ले जाएं, ताकि वहां पर आसानी से आप ई केवाईसी करवा सके और फ्री में राशन ले सके। दोस्तों प्रदेश में यानी राजस्थान में ये संपूर्ण भारत में लागू है। राशन से गेहूं वितरण के दौरान गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रदेश की सभी उचित मूल्यों की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा के पात्र लाभार्थियों की ई केवाईसी करवाई जाएगी। ये ई केवाईसी उचित मूल्य की दुकान पर परिवार के सभी सदस्यों के आधार या राशन कार्ड के द्वारा लेकर जाने पर हो जाएगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से ये पता लगाया जा सकेगा कि वास्तव में कितने पात्र लोग हैं जिनको लाभ देना है। तो दोस्तों पात्र लोगों को फ्री में राशन दिया जा सके, इसके लिए ई केवाईसी यहाँ पर शुरू की गई है। विभाग की ओर से जारी प्रदेश के सभी जिला रसद अधिकारियों को इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। ये ई केवाईसी शुरू होकर 30 जून तक अनिवार्य रूप से करवाई जाएगी, और जो 30 जून तक अनिवार्य रूप से ई केवाईसी नहीं करवाएगा उनका नाम खाद्य सुरक्षा से काट दिया जाएगा और आने वाले महीने में उनको फ्री में राशन नहीं दिया जाएगा। ई केवाईसी उचित मूल्य की दुकानों द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, पोस मशीन के माध्यम से की जाएगी। जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में कुल राशन कार्ड इतने हैं, तो इन राशन कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। तो दोस्तों पूरे भारत में सभी राज्यों में जो भी राशन कार्ड धारक है फ्री में राशन लेते हैं, वो अपने नजदीकी राशन की दुकान पर अपना राशन कार्ड और राशन कार्ड में परिवार के जितने भी सदस्यों का नाम है उनके आधार कार्ड लेकर के अपने नजदीकी राशन की दुकान पर जाएंगे और जाकर के आसानी से वहां पर अपना ई केवाईसी करवाएंगे। फर्जीवाड़े पर लग पाएगी रोक, ये अपडेट सरकार ने क्यों दी है? राशन कार्ड की ई केवाईसी इसलिए करवाना सरकार ने जरूरी समझा है ताकि फर्जीवाड़ा रुक सके, क्योंकि जो अपात्र लोग हैं वो भी राशन प्राप्त कर रहे हैं। गेहूं व अन्य सामग्री के वितरण के वक्त गड़बड़ियों की शिकायत के बाद अब विभाग की ओर से वितरण में फर्जीवाड़े को रोकने के उद्देश्य से ई केवाईसी सिस्टम की ओर कदम बढ़ाए गए हैं। विभाग अब उचित मूल्य के दुकानदारों के माध्यम से जिले में पात्र अभ्यर्थी लाभार्थियों के परिवार के सभी सदस्यों की ई केवाईसी करके देखेगा कि वास्तव में कितने लोग हैं जो कि पात्र हैं, जिनको लाभ मिल रहा है। फर्जीवाड़े की जानकारी के बाद
विभाग राशन कार्ड से नाम भी कट कर सकता है। तो दोस्तों यदि कोई फर्जीवाड़े तरीके से अपात्र है और फिर भी फ्री में राशन प्राप्त कर रहा है तो राशन जो विभाग है वो उसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा से कट कर देगा, अर्थात तो उसको अगले महीने फ्री राशन नहीं मिलेगा। जो लोग पात्र हैं उन्हीं को यहाँ पर इसके माध्यम से फ्री राशन अब आगे मिलेगा। इसलिए आप अवश्य ही अपना राशन कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड लेकर के अपने नजदीकी राशन दुकान पर पहुंचे और 30 जून से पहले पहले आप अपने राशन कार्ड की EKYC करवा लें ताकि आगे भी आपको फ्री में राशन मिलता रहे। दोस्तों अन्य गरीब लोगों तक भी वीडियो को आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक इस राशन कार्ड से संबंधित जो अपडेट है उसकी जानकारी सभी तक पहुंचे और सभी लोग फ्री में EKYC राशन कार्ड की करवाएं ताकि उनको फ्री में राशन मिलता रहे। दोस्तों इसी प्रकार की अपडेट मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाता हूं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर अल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद।